किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली चलो अभियान के तहत दिल्ली कूच कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन भी सतर्क है और उन्हें रोकने के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर किसानों के प्रतिनिधियों यानी किसान नेताओं के साथ मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल और उनका प्रतिनिधि मंडल बातचीत कर रहा है, लेकिन उस बातचीत का नतीजा क्या रहा, खुद सुनिए पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंधेर को। हाँ देखिए, रात लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है, जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए। उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी, जैसे MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है, जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला ख़त्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय मतलब देना उचित नहीं लग रहा है, अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं, लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है, उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार, तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पर भी सहमति नहीं बनी। C2+50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदया ने कोई सहमति नहीं दी। अब आप एक बार ये भी समझिए कि आखिर क्यों और किन मांगों के साथ दिल्ली आए हुए हैं अन्नदाता और क्या है उनकी मांगे। पहली मांग, स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश को लागू किया जाए। जी हाँ, किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें सभी फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिया जाए। आपको बता दें कि स्वामीनाथन कमेटी में MSP को औसतन लागत से 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का सही मुआवजा मिल सके। दूसरी मांग, किसानों मजदूरों की कर्ज माफ़ी। दिल्ली कूच करने वाले किसानों नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों की सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के कर्ज को माफ करें। तीसरी मांग, लखीमपुर खीरी हत्या केस में न्याय। किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। बता दें कि किसान नेता लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग भी कर रहे हैं। चौथी मांग, किसानों मजदूरों के लिए पेंशन। किसानों खेतिहरों मजदूरों को पेंशन देना किसान की एक प्रमुख मांग है। किसान चाहते हैं कि 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए। पांचवी मांग है, कृषि वस्तुओं आयात शुल्क को कम करना। किसान नेता कृषि वस्तुओं दूध उत्पादों फलों सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क को कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। छठी मांग है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण ना करना। किसान नेताओं ने इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने का मुद्दा भी इस हड़ताल में शामिल किया गया। और सातवीं मांग है, मनरेगा में हर साल 200 दिन काम। जी हाँ, किसान चाहते हैं कि खेती को
मनरेगा से जोड़ दिया जाए। उन्हें न्यूनतम 700 रुपए हर दिन की दिहाड़ी मिले और साल में 200 दिन न्यूनतम रोजगार दिया जाए। प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम वन वर्ल्ड न्यूज़।